ये कैट है, ठीक है, इसका घर है के तो ये भूख ही है, इसको भूख लगी हुई है अभी के तो खेल रही है ये। इसको खेलना पसंद है, ये खेलती है। ठीक है, ये कैट है और इसका ये घर है, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसका घर, और ये घर देखें इसका, कि यहाँ पे जानवरों की भी कितनी लोग केयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे होंगे कि ये छोटा सा घर है और ये कैसा घर है, मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये घर अंदर से भी देखें, ये मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। ये अंदर कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ है, कारपेट है डबल, ये ऊपर तरपाल वगैरह लगाई हुई है, और ये छोटा सा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये किसका घर है, या शायद आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि ये किसी डॉग का घर है। नहीं, ये इन लोगों ने अपने घर के बाहर घर बनाया होता है बिल्लियों का, ठीक है, कैट्स का ये घर है, बिल्लियों के लिए ये घर बनाया हुआ है ताकि वो रात को आके यहाँ पर रह सकें। जितने भी यहाँ इस एरिया के अंदर कैट्स वगैरह रहती हैं तो वो यहाँ आके रह सकें। ये हमारे घर के नीचे इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, और तो यहाँ पे रोज़ रात को कैट्स वगैरह आती हैं और यहाँ पे आकर रहती हैं। और ये इनका जो खाने पीने का सामान है वो स्टोर से मिलता है, स्टोर से डे बाय डे कभी कोई बाय कर लेता है, ठीक है, घर वाला कभी कोई बाय कर लेता है, कभी हम बाय कर लेते हैं, और बाय करके यहाँ ला कर रख देते हैं। रात को यहाँ पे आके कैट्स सोती हैं, रेस्ट करती हैं, और ये लोग यहाँ पे जानवरों के साथ भी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अब यही अगर हम पाकिस्तान में देखें तो बहुत कम लोग हैं जो जानवरों से प्यार करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि बस बिल्लियाँ जो कैट्स हैं वो अपना घर खुद से बना के स्टे करते हैं, वो खुद से कहीं ना कहीं रह रही होती है। हमें भी चाहिए कि हम भी इस जो तरीक़ाकार को अपनाएं, हम भी इस तरह के घर बनाएं ना, चाहे आप अपनी छत पे घर बना लें, चाहे आप अपने घर के बाहर बना लें, ठीक है, लेकिन इस तरह ज़रूर करें, परिंदों के लिए भी और कैट्स वगैरह के लिए भी। इससे ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात खुश भी होगी और हमें इसमें इसका बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलेगा। हमें भी चाहिए कि हम भी इन तरीक़ाकार को अपनाएं, और ये वो तरीक़े हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में अपनाए गए थे। इन लोगों ने सिर्फ ये असूल अपनाए हुए हैं, हम लोगों ने वो असूल छोड़ दिए हुए हैं। हम मुसलमान तो हैं लेकिन हम अमल नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग अमल कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में मुसलमान नहीं है, लेकिन इन्होंने कानून हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का अपनाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और आप खुद भी अमल कीजिएगा। यकीन करें इस तरह के अमल करने से आपको अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और आप एक अच्छा महसूस भी करेंगे, और अल्लाह पाक की करम करे सब पे। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।